हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आपकी केमिस्ट्री कक्षा एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सो इट इज फोर्थ लेक्चर, एक्चुअली थर्ड लेक्चर का ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया तो फोर्थ लेक्चर ही कंसीडर कर लेते हैं और छोटा सा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको हमको बहुत ज्यादा डिटेल में कंसीडर करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल में ज्यादा होता है। ओके, तो थर्ड लेक्चर में हम हीट और वर्क के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस पीवी ग्राफ एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, कि कहां ज्यादा होता है कहां कम होता है। अब इसके पहले एक छोटा सा रिकॉल अगर हम देखें कि रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है और इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, जैसे आपको वो याद हो कि हम एक पिस्टन के ऊपर सैंड रख दे खूब सारे और एक एक पाइल को हटाएं, तो वो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, रिवर्सिबल वर्क डन होगा। ओके, और हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज या स्टेटमेंट की लैंग्वेज से कैसे समझ में आए कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या वर्क डन रिवर्सिबल है। ओके, तो मैं आपको बहुत क्लियर कट एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, या हम ये बोले कि हिंट दे देती हूँ। देखो, जब भी वर्क डन में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेरिएबल हो, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कैसा हो, वेरिएबल हो, या हम ये बोले कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा हो, जैसे सेंड ऑफ पाइल निकाला था, तो आप ऐसा देखो कि जैसे पिस्टन के ऊपर से जब आप एक सेंड ऑफ पाइल उठा लोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर एक पाइल सेंड का हटाने से बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर एक और पाइल उठाया तो और थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना। तो जनरली क्या होता है कि वर्क डन की लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कि वर्क डन, अगर हम ये देखें कि जहां चेंज डीपी बहुत स्मॉल हो, तो या दो तीन पॉइंट अपन लिख देते हैं कि डीपी इज नियर या इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लिख देती हूं मैं, जीरो तो लिख नहीं सकती, है ना। तो डीपी इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, या तो ऐसा हो, या हम ये बोलें कि जो एक्सटर्नल प्रेशर कैसा हो जाए, वेरिएबल दिखे हमको, राइट। प्रेशर वेरिएबल, ये जो वर्क डन होता है दैट इज रिवर्सिबल वर्क डन। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन। इरिवर्सिबल वर्क डन में आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि जैसे वो रखा था, क्या बोलते हैं, एक स्टोन रखा था और पूरा का पूरा स्टोन एक बार में उठा लिया था, राइट, है ना। तो डेल्टा पी काफी लार्ज होगा, ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर हम ये देखें वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सो वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज इरिवर्सिबल वर्क डन। ओके, ये एक छोटी सा डिफरेंस है जिससे हम स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंशिएट कर पाएंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन में। ओके, अब बात आती है पीवी ग्राफ एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन की। ओके, उसके पहले हम एक चीज ध्यान समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि देखो
सिंपल सी बात है, जैसे अमाउंट ऑफ वर्क या पीवी ग्राफ की बात करें तो पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व दैट इज नोन एज वर्क डन, राइट? एरिया अंडर द कर्व दैट इज वर्क डन, ओके? और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि हम एरिया कहां लेंगे, वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फाइनल प्रेशर, ठीक है? वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फाइनल प्रेशर, राइट? मींस जो भी सिस्टम में फाइनल प्रेशर आएगा वर्क उसी के अगेंस्ट माना जाएगा और उसी के फाइनल प्रेशर से ही हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, ओके? अब हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन जो है हमारा दैट इज एक्सपेंशन, राइट? एक्सपेंशन में क्या होता है, दैट इज वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना? ऑब्लिक गैस, ठीक है? पिस्टन को क्या, कौन मूव करेगा? पिस्टन को गैस मूव करेगी. सो एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस. अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी चीज है, वन बाय वन यहां से लेके हम चलते हैं. फर्स्ट हम क्या लेते हैं, सिंगल स्टेप एक्सपेंशन, ठीक है? देखो यहां एक मिनट, इसके पहले मैं एक चीज कर लेती हूं कि हम क्या करते हैं. देखो इनिशियल प्रेशर, प्रेशर हम ले लेते हैं पी वन, ओके? एंड इनिशियल वॉल्यूम हम ले लेते हैं वी वन, और फाइनली हमें गैस को जहां तक पहुंचाना है. सो जो फाइनल प्रेशर है दैट, इसको सॉरी पी आई और वी आई कर देते हैं क्योंकि वन और टू तो मैं बीच में लाऊंगी, इट इज पी फाइनल. और जो फाइनल वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी दैट इज वी फाइनल, ओके? एफ लगा देते हैं यहां पर, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी फाइनल, ओके? अब ये सभी के लिए है, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन सभी के लिए लेके चलेंगे. अब हम केस वन जो एक्सपेंशन ले रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल स्टेप एक्सपेंशन, राइट? सो वी आर टेकिंग हियर, नो दिस इज सिंगल स्टेप एक्सपेंशन. सिंगल स्टेप का क्या मतलब है, हमने एक बार में ही पिस्टन मतलब हमने नहीं सॉरी गैस ने एक बार में ही पिस्टन को इतना मतलब पुश कर दिया कि जो है वॉल्यूम वी इनिशियल से कहां पहुंच गया, वी फाइनल तक पहुंच गया. सिंगल स्टेप है ना? तो इसका जरा हम ग्राफ देख लेते हैं. देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, अब यहां पर हम मार्क करते हैं. अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं तो एक्सपेंशन के केस में हमारा इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? है ना? ये हमारा हो गया पी इनिशियल, ओके? और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक? यहां पे लिख देते हैं एक्सपेंशन के केस में. अगर हम देखें यहां साइड में मैं लिख देती हूं, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, देखो यहां साइड में लिख लेते हैं, इनिशियल प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा फाइनल से. और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम कम होगा और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, तभी तो हम बोलेंगे गैस एक्सपेंड हुई, है ना? तो ये हमारी इनिशियल स्टेज हो गई, ओके? अब हमने सडनली क्या किया,
पिस्टन के ऊपर से मास, जो हमने एम मास रखा था, पूरा मास उठा दिया, हटा दिया, तो क्या होगा? पिस्टन क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? लिफ्ट होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ओके? तो देखते हैं यहां पर, जैसे ही हमने पिस्टन हटाया तो यहां पर क्या हुआ, देखो ये इस गैस का क्या हो गया, फाइनल प्रेशर हो गया, और एक्सपेंड कहां तक हुई गैस, ये इसका हो गया फाइनल वॉल्यूम, ओके? अब बहुत ध्यान से देखना, ये हमारे गैस की इनिशियल स्टेज थी, ये इनिशियल पैरामीटर्स थे उसके, ठीक है? और जैसे ही हमने क्या किया, पिस्टन उठाया, तो ये हमारे फाइनल पैरामीटर हो गए, ओके? ये क्या हो गया, फाइनल पैरामीटर हो गया। अब वर्क इज ऑलवेज डन अगेंस्ट फाइनल प्रेशर, सो दिस एरिया अंडर द कर्व दैट इज नोन एज वर्क डन बाय द गैस, ठीक है? ये क्या हो गया, इट इज वर्क डन, ठीक है? और ये वर्क डन कितना हुआ, जरा ये भी देख लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी फाइनल, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेल्टा V, डेल्टा V क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो यहां हम पुट कर देंगे डेल्टा V, ये हमारा वर्क डन हो गया, ओके? अभी इसी के साइड में मैं इस एक्सपेंशन को ना टू स्टेप में ब्रेक कर देती हूं, ठीक? टू स्टेप एक्सपेंशन, ओके? मींस हम पी इनिशियल से पी फाइनल ही आएंगे, लेकिन एक स्टेप में नहीं आएंगे, है ना? दो स्टेप में आएंगे, ओके? तो आना हमारा डेस्टिनी वही है, हमको पी इनिशियल से कहां जाना है, पी फाइनल ही जाना है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा थोड़ा सा ग्राफ वैसा, मतलब उसके जैसा जस्ट लाइन मैच नहीं हो पाया, लेकिन ये हमारा पी इनिशियल था और ये हमारा वी इनिशियल था, ओके? और ये थी हमारी इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेट थी गैस की, ओके? अब हमने क्या किया कि जैसे एक बार में हमने पूरा एम मास नहीं उठाया, ठीक है? आना हमको यहीं तक है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन हमने क्या किया कि सपोज दैट हमने पिस्टन के ऊपर पहले वाले केस में 10 केजी वेट रखा हुआ था, ठीक है? 10 केजी वेट रखा हुआ था, तो हमने फर्स्ट वाले केस में सिंगल स्टेप एक्सपेंशन में पूरा का पूरा 10 केजी वेट उसके ऊपर से, पिस्टन के ऊपर से हटा दिया, पिस्टन एकदम से क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया कि पूरा 10 केजी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5-5 केजी में भी कर दो, 6-4 में भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं 5-5 में कर देती हूँ। तो सपोज दैट इंस्टेड ऑफ हमने 10 केजी का एक स्टोन रखने की बजाय उस पर 5-5 केजी के दो पत्थर रखे, अब जब हमने पहला 5 केजी का जब स्टोन यहां से रिमूव किया, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है पिस्टन लिफ्ट होगा, राइट? देखो मुझे पिस्टन यहां से यहां पहुंचाना है, ठीक है? पहले मैंने पूरा 10 केजी हटाया तो पिस्टन पूरा यहां पहुंच गया एक बार में, लेकिन अब मैंने उस मास को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो जैसे 5 केजी हटाया तो पिस्टन यहां तक पहुंचा, ये फर्स्ट स्टेप, फिर 5 केजी हटाया तो फिर यहां पहुंचा, तो ये दो स्टेप में एक्सपेंशन हो गया, ओके? तो सेम चीज अब हमको यहां पर देखना है, तो पहले मैंने 5 केजी हटाया तो सपोज दैट ये पहुंच गया P1 तक, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V1 हो गया, ओके? अब ध्यान देना, अब ये हमारा, देखो अगर हम देखेंगे तो डेल्टा पी काफी लार्ज है, राइट? और एक झटके में पिस्टन यहां से भले ही आधा उठा, है ना, लेकिन अगर अपन देखें एक झटके में उठ के यहाँ पे आ गया, ऐसे धीरे 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 झूलते हुए तो नहीं आया ना, एक एक पाइल ऑफ सैंड जैसा, तो है तो प्रोसेस कैसा, इरिवर्सिबल ही, लेकिन एक झटके में आधा उठ गया, है ना? अब यहाँ आधे से भी हमको उसे नीचे ले जाना पॉसिबल नहीं है, ओके? तो देखो ये अब इस केस में अब वर्क हुआ किसके अगेंस्ट,
P1 के अगेंस्ट, और ये हमारा हो गया एरिया अंडर द कर्व दैट इज इक्वल्स टू W1। फर्स्ट स्टेप का वर्क डन हो गया, ठीक है। एंड W1 इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस P1 के अगेंस्ट हुआ डेल्टा V। अब यहां पर डेल्टा V क्या हो गया, डेल्टा V1 कर देती हूं, ये हो गया हमारा डेल्टा V1। V1 माइनस, अगर हम देखें सो इट इज V1 माइनस V इनिशियल, ओके। अब हमने क्या हुआ, बचा हुआ 5 kg का स्टोन भी हटा दिया, तो ये हमारा हो गया V फाइनल तक पहुंच गया, और ये हमारा हो गया यहां पर, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब ये पिंक कलर से जो हाईलाइटेड है, ये हमारा सेकंड स्टेप का वर्क डन हो गया एरिया अंडर द कर्व, ओके, है ना। तो इट इज व्हाट, इट इज W2। एंड W2 किसके अगेंस्ट हुआ, W2 हुआ P फाइनल, PF के अगेंस्ट हुआ, W1 P1 के अगेंस्ट हुआ, इनटू डेल्टा V2। और डेल्टा V2 क्या है, ये डिफरेंस है डेल्टा V2, एंड डेल्टा V2 है V फाइनल माइनस V1, ओके, क्लियर। और इन टू स्टेप एक्सपेंशन में अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ठीक है। अब जो बात बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की है इन दोनों एग्जांपल में, देखो P इनिशियल दोनों का सेम है, यहां पे भी इनिशियल प्रेशर हमने सेम ही लिया था, फाइनल स्टेट हम टू स्टेप में ले गए, लेकिन P फाइनल हमने दोनों का कैसा रखा, सेम रखा, राइट। सिमिलरली इनिशियल वॉल्यूम भी दोनों स्टेप में गैस का सेम था, और फाइनल वॉल्यूम भी दोनों स्टेप में बिल्कुल सेम है। लेकिन तो देखो P इनिशियल P फाइनल सेम है, लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ वर्क डन देखोगे, है ना, तो यहां पर अगर हम देखें वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप और वर्क डन इन सेकंड में, यहां पर ये वर्क डन ज्यादा हो गया। देख लो एरिया अंडर द कर्व, ये W1 प्लस W2 दोनों का सम आएगा, है ना, दोनों का सम आएगा, तो डेफिनेट सी बात है वर्क डन आप खुद देख लो एरिया अंडर द कर्व से, या सेकंड स्टेप टू स्टेप एक्सपेंशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस वर्क डन इंक्रीजेस, इसी को आप एक्सपेंशन को आप 3 स्टेप में लेके चले जाओ और बढ़ जाएगा, 4 स्टेप में लेके चले जाओ तो और बढ़ जाएगा, ओके। तो यहां पर अपन एक नोट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोसेस प्रोसेस इंक्रीजेस, ओके। जितना आप स्टेप्स के प्रोसेस के स्टेप्स बढ़ाते चले जाएंगे, आपका वर्क डन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर अपन 3 स्टेप में करके देखें, मैं एक ये भी बता देती हूं आपको, ठीक, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी पी इनिशियल पी फाइनल में हम 3 स्टेप ले लेते हैं, मैं यहां लिख देती हूँ, वी आर टेकिंग हियर फोर स्टेप कर लेते हैं, है ना, तो और एक बार में ही काम चल जाएगा, 4 स्टेप एक्सपेंशन। लेकिन बात वही है, हमारा पी इनिशियल सेम है, राइट, एंड पी फाइनल भी सेम है, हमको लाना इस पी फाइनल तक ही है, ये हमारा वी इनिशियल है और ये हमारा V फाइनल है, ओके। 4 स्टेप में लेकर आते हैं, तो
तो देखो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यहां पर P1 तक लेकर आई, सेकंड स्टेप में उसको P2 तक लेके आई, और थर्ड स्टेप में चलो 3 कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम P4 में लेकर आए। ओके तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी गैस की, PIVI, पता नहीं लाइन स्ट्रेट हो रही है, खिंच रही है कि नहीं, होपफुली खिंच जानी चाहिए, बट तुम लोग स्ट्रेट ही खींच लेना, तुम लोग तो स्केल से खींचना। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। ओके अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप का वर्क डन हुआ ये भी मैं यहां पर कर देती हूं, दैट इज V1, ये V2 एंड V3 तक हमको ऐसे 1x1 लाना है। ओके डिफरेंट कलर से कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का वर्क डन हो गया, राइट, ग्रीन से जो हाईलाइट किया। ओके बच्चा पार्टी, ये वर्क डन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप में देखें तो ये हमारा V2 तक जब हम गए तो ये सेकंड स्टेप हो गया, राइट, ये हमारा W2 हो गया। ओके फिर हम V3 तक गए, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये W3 हो गया। ओके और लास्ट में ये हमारा V फाइनल तक गए, ये हमारा W4 हो गया। ओके अब देखो जो W1 है वो हमने वर्क किया P1 के अगेंस्ट, तो दैट इज माइनस P1, और डेल्टा V क्या होगा, V1 माइनस V इनिशियल। ओके और सेकंड स्टेप में जो हमने W2 किया, W2 हमने किया किसके अगेंस्ट, P2 के अगेंस्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस P2। अब यहां पर V फाइनल हो गया V2 माइनस V1, राइट। अब सेकंड स्टेप के लिए V1 इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। ओके फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप में W3 हमने वर्क हुआ P3, मैंने P4 लिख दिया बाय मिस्टेक, सॉरी मैं उसको P3 कर देती हूँ, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है। सो माइनस P3 और ये क्या होगा, V3 माइनस V2 हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में जो हमने वर्क डन W4 किया दैट इज अगेंस्ट माइनस P फाइनल, और ये होगा हमारा V फाइनल माइनस V3। ओके और हम टोटल वर्क डन अगर बात करें इस पूरे प्रोसेस में, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके क्लियर। अब देखो आप यहां पर देखो एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जा रहा है, आप W1 प्लस W2 W3 W4 को ऐड करोगे तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले में जो मिला है उससे तो एरिया ज्यादा आ रहा है, सेकेंड वाले से ज्यादा आ रहा है, सेकेंड वाला 2 स्टेप है, 4 स्टेप में और बढ़ गया, एंड सो ऑन। ओके तो ये वाला स्टेटमेंट आई थिंक जस्टिफाई हो गया कि एक्सपेंशन के केस में जब हम करते हैं बात तो वर्क डन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोसेस इंक्रीजेस। ओके क्लियर। अब देखो ये तो सारे कैसे थे, अगर हम देखें तो ऑल दीज वर इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस थे। क्यों? क्योंकि इन सारे प्रोसेस में डेल्टा पी काफी लार्ज था। देखो फर्स्ट केस में अगर अपन देखें तो पी इनिशियल P1 काफी लार्ज डेल्टा टी है, और वर्क अगेंस्ट P1 के अगेंस्ट हो रहा था, ठीक है, कांस्टेंट था P1, भैया P1 तक लेके जाना है। फिर सेकेंड स्टेप में P2 के अगेंस्ट हो रहा था, P2 भी एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, P3 भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। तो एक सिंपल सी बात है, ये बड़ी मतलब लॉजिकली है, अपने को सोच लेना चाहिए। हाउएवर अगर अपन देखें इन नंबर 4 में हर स्टेप अपने आप में एक अलग प्रोसेस है ना,
हर स्टेप एक अलग प्रोसेस है, मतलब पी इनिशियल से पी वन तक एक प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, पी वन से पी टू तक वो भी आइसोथर्मल एक प्रोसेस हो गया, कौन सा इरिवर्सिबल हो गया, ओके। लेकिन अगर हम इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस को देखें तो ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक और पते की बात आई जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब तक काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स रहते हैं प्रोसेस कैसा रहता है, इरिवर्सिबल रहता है, ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस विद countable or definite number of steps is irreversible process. कैसा है? Irreversible. Okay? ये irreversible है, ठीक। अब हम आते हैं जरा रिवर्सिबल एक्सपेंशन की तरफ, है ना। तो नाउ वी कम एट रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। मतलब इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो वर्क डन बढ़ रहा है। देखो ये वाली बात हम पढ़ चुके ना, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस, है ना। अब इसको कैसे समझें कि इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, ये भी बड़ी इजीली समझने की बात है और बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। बस याद रखना चाहिए वो पाइल वाला एग्जाम्पल, बस वही काम का रह जाता है हमारे, बाकी पूरी दुनिया मिथ्या मिथ्या समझते हो। देखो सिंपल सी बात है, वही स्टेट हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा पी इनिशियल है और ये हमारा वी इनिशियल है, और हमें इसे पहुंचाना कहाँ है, इस फाइनल स्टेट तक पहुंचाना है, राइट। अब बहुत ध्यान से देखना, हम एक एक पाइल उठाते हैं सैंड का, ये हमारा इनिशियल स्टेट, हो सकता है लाइन स्ट्रेट ना ड्रॉ हो लेकिन हो गई, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, हम एक एक पाइल उठाते हैं, तो जब हम एक पाइल उठाएंगे, देखो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम एक पाइल उठाएंगे तो प्रेशर बिल्कुल जरा सा चेंज होगा, पिस्टन बिल्कुल जरा सा नीचे आएगा और वॉल्यूम बिल्कुल जरा सा बढ़ेगा, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है जो डार्क ग्रीन कलर का इसके पैरेलल बना रही हूं, राइट। एक पाइल उठाने पे पिस्टन में इतना सही चेंज आएगा, ठीक है। फिर एक और पाइल उठाया तो प्रेशर बिल्कुल हल्का सा डिक्रीज हुआ, वॉल पिस्टन जरा सा आगे मूव हुआ, राइट। तो इसी के पैरेलल बिल्कुल इससे चिपकती हुई रेड वाली लाइन हो गई, राइट। ऐसे ही होता जाएगा ना। तो अब अगर ऐसे अगर अपन इसको बिल्कुल पास 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 करते हुए बनाए लाइंस, तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, राइट। ऐसे ही होगा ना। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरे पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा पहुंच गया फाइनल प्रेशर, ओके। एंड दैट इज नोन एज द टोटल वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, ओके, क्लियर आया। अब ऐसे हर बार एक एक पाइल निकाल के तो मैं लाइन बना नहीं सकती, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में इनफाइनाइट स्टेप होंगे, एक एक पाइल उठाएंगे, पिस्टन थोड़ा थोड़ा सा मूव करेगा, प्रेशर बिल्कुल जरा सा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बिल्कुल जरा सा, प्रेशर बिल्कुल जरा सा डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज निकल गया, जरा सा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बिल्कुल जरा सा इंक्रीज होगा, ओके। और फिर जरा सा एक पाइल उठाया तो ये यहां तक आ जाएगा, राइट, बिल्कुल जरा सा इंक्रीज होगा। तो ये कहानी पूरी ऐसी लंबी सी चलती रहेगी, ओके। तो अब अगर हम देखें हमारे नंबर ऑफ स्टेप अगर इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम पहुंच गए, इनफाइनाइट से तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं है, है ना। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में
नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो गए? मैक्सिमम हो गए, राइट? और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़े, दैट इज व्हाई वर्क डन इज आल्सो मैक्सिमम। वर्क डन भी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड मिनिमम इन सिंगल स्टेप। देखो सिंगल स्टेप में एरिया अंडर द कर्व कैसा है? सबसे कम है। ओके तो वर्क डन हमारा कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया, है ना? तो यहां पर हम एक लाइन लिख लेते हैं, जो बड़े काम का बंदर नाचे तो जितिंदर, रोए तो राजिंदर, है ना? तो ये हमारे बड़े काम का है कि देखो इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या क्या पढ़ा भाई हमने, क्या सीखा? हमने ये सीखा वर्क डन इज मिनिमम इन व्हाट? सिंगल स्टेप एक्सपेंशन। ओके एंड वर्क डन इज मैक्सिमम इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ओके रिवर्सिबल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके सो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो लाइन में यहां लिख रही थी, ये लिख रही थी कि इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके सो वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके और इररिवर्सिबल में तो स्टेप बढ़ाते जाओगे, वर्क डन क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। सिंगल स्टेप में कैसा है? मिनिमम है। ये हो गया हमारा पूरा किसका केस? एक्सपेंशन का केस। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं कंप्रेशन का केस। ओके तो केस टू हमारा है, दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन ऑन द गैस। ऑन द गैस ऑब्लिक सिस्टम, हम पिस्टन को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। यहां पर क्या था, क्या लिखा था? वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस। अब आ गया वर्क डन ऑन द सिस्टम और ऑन द गैस। ओके अब इस केस में भी हम ये ले लेते हैं कि जैसे ये वो पूरा का पूरा ही केस है जो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, इनिशियल प्रेशर वगैरह। तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं? अगेन इनिशियल प्रेशर हम ले लेते हैं पी आई। ओके एंड फाइनल प्रेशर ले लेते हैं पी एफ। और कंप्रेस जब हम करेंगे तो फाइनल प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। पी फाइनल इज ग्रेटर देन पी इनिशियल। ओके और कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी आप लोग सोचिए क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी आई, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी एफ। और हमने कंप्रेस किया तो यहां वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। हमने पिस्टन को क्या किया? ऊपर से
नीचे लेकर आ गए। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था और हम कंप्रेस करके नीचे लेके आए पिस्टन को, तो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके क्लियर। अब हम देख लेते हैं उस पर, जैसे हमने पहले देखा था बिल्कुल वही केस है। अब देखो यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले सिंगल स्टेप कंप्रेशन वर्सेस 2x स्टेप कंप्रेशन। अब मुझे शायद इससे ज्यादा आपको नहीं समझाना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, यू आर टू इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां पहले हम ले लेते हैं सिंगल स्टेप कंप्रेशन। ओके, बना लेते हैं भाई अपना ग्राफ एज यूजुअल। देखो वर्क हमेशा किसके अगेंस्ट होगा, फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट होगा, बिल्कुल रूल है, उस रूल को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारा इनिशियल प्रेशर कैसा है, कम है। ठीक है, और हमें कहां तक लेके जाना है, इसे इस फाइनल प्रेशर तक लेके जाना है, और ये था हमारा इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी फाइन एफ लिख दिया, ये था हमारा इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और हमें लेकर इसे कहां तक आना है, फाइनल वॉल्यूम तक। हमने एक बार में ही पूरा 10 kg का पत्थर उस पिस्टन पे रख दिया। ओके, अब देखो ये हमारी इनिशियल स्टेट थी गैस की, राइट? ये क्या थी, इनिशियल स्टेट, गैस पहले यहां थी। हमने 10 kg का एक साथ पत्थर रख दिया, पिस्टन नीचे आया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और प्रेशर बढ़ गया। ये हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। ओके, अब आता है वर्क डन कैसे निकालें भाई, एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है, इस फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट जितना एरिया इस केस में आएगा, दैट इज नोन एज व्हाट, वर्क डन। ये पूरा क्या कहलाएगा, वर्क डन, राइट? और यहां पर वर्क डन जो हमारा फर्स्ट स्टेप में हुआ, दैट इज माइनस पी फाइनल, और क्या हो जाएगा यहां पर, V final minus V initial। ये area under the curve, ये हमारा work done हो गया। पहले भी हमने ऐसे ही लिया था, P final minus delta V, और delta V को P final minus V initial मैंने यहाँ पर simply लिख दिया। Okay? अब जरा हम इसको देख लेते हैं 2 step में, split करके देख लेते हैं भाई, है ना? हमारा क्या जा रहा है, 2 नहीं करते, चलो 3 कर लेते हैं, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 2 से जैसे आएगी वैसे 3 से आ जाएगी, है ना? तो इट इज 3-step कंप्रेशन, 3 step में स्प्लिट कर देते हैं हम इसको। हाँ, लेकिन P फाइनल P इनिशियल हमारा उतना ही है, जाना हमको इसी P फाइनल से इसी P इनिशियल तक है, बस थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से बढ़ा देंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो देखो ये हमारा पी इनिशियल था और अंतिम पड़ाव हमारा पी फाइनल यही है, लेकिन हमने इसको 3 steps में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम आएंगे P1 तक, सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे P2 तक, और थर्ड स्टेप में हम जाएंगे पी फाइनल तक। ओके, अब देखें तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, तो सॉरी ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम। आना हमको यहां तक है, लेकिन जब हम कंप्रेस करेंगे तो पहले वी इनिशियल से V1 तक आएगा, फिर वो कहां तक जाएगा, V2 तक जाएगा, और फाइनली वी फाइनल तक जाएगा। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, राइट? हमने, हमको 10 kg रखना है, तो 10 kg को हमने 3 parts में ऐसे डाला कि हम पहले 3 kg का स्टोन रखेंगे, फिर 3 kg का रखेंगे, फिर 4 kg का रखेंगे पिस्टन को दबाने के लिए। तो जैसे ही हमने पहला 3 kg लाया, पिस्टन नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, राइट? क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अब ये हमारी क्या हो गई,
स्टेप वन की स्टेट हो गई, वी वन तक आ गया, राइट। स्ट्रेट नहीं है क्या लाइन? चलो कोई बात नहीं, उसको स्ट्रेट खींच देते हैं। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, इंटेलिजेंट हो ये, राइट। तो हम उसे इस स्टेट तक लेकर आते हैं, ओके। यहां तक लेकर आए हम, डन। तो अब अगर हम देखें तो यहां हम पी इनिशियल हमारा कम है, हाँ पी फाइन। यहां पर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ना बच्चा पार्टी, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये हमें पी फाइनल तक ले जाना है और ये हमारा पी इनिशियल है, और यहाँ पे हो गई थोड़ी सी गड़बड़। ये आएगा सॉरी 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 प्लीज 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 ये आएगा सॉरी पी वन और ये आएगा पी टू। यही बोलूं कि गड़बड़ क्यों हो रही है। चलो तो अब हम हमारा प्रेशर पी इनिशियल से यहां तक के लिए गया, राइट। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ओके। तो ये हमारा जो वर्क डन हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का वर्क डन हुआ, राइट है ना। ये हमारा वर्क डन किसका हो गया? W1 स्टेप का हुआ, ओके। P1 के अगेंस्ट हुआ V, है ना। और यहां पर हमारा डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हमारा यहां पर सॉरी डेल्टा V, मैंने फिर गड़बड़ किया। यहां से आना चाहिए था यहां तक, ये हो जाएगा है ना इसके अगेंस्ट। मैं वहां से उसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो वहां पे मुझे दूसरा W लिखना है, ओके। नाउ सो ये हमारा W1 हुआ, ठीक है। और हमारा अब कहां तक पहुंच गया उसका वॉल्यूम? मैंने फिर गड़बड़ किया। सोचोगे आज मैडम को क्या हो गया, भाई इतना सा ही होगा, ये पूरा नहीं होगा, ठीक है सॉरी। इतना सा हमारा वर्क डन हुआ, ठीक, ये W1 हुआ। अब हमने फिर से 3 kg का स्टोन रखा, 3 kg का स्टोन अगर हमने फिर से रखा तो प्रेशर फिर से बढ़ा, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर आ गया हमारा ये प्रेशर, राइट। ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, और वॉल्यूम यहां से यहां तक आया, तो ये इनिशियल स्टेट यहां थी, हमने स्टार्ट V1 से किया था, आए हम कहां तक, V2 तक, और किसके अगेंस्ट आए, V2 तक आए, P2 के अगेंस्ट। एक मिनट में यहां तक और खींच दूं ये लाइन, पता नहीं क्या हो गया, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना तो बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। ये हमारा सेकंड स्टेप का वर्क डन हो गया, बट नाउ इट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इरिटेटिंग सा साउंड हो रहा था उसका। ये हमारा सेकंड स्टेप का वर्क डन हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में P2 से हम कहां पहुंचे, P फाइनल तक, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहां किया, V2 से, और आना हमको कहां तक है, V फाइनल तक, तो यहां तक आना है, राइट। ये हमारा थर्ड स्टेप का वर्क डन P फाइनल के अगेंस्ट हुआ, राइट, इट इज W3, ओके बच्चा पार्टी, ठीक। ये हो गया W3। अब अगर हम वन बाय वन सारी चीजों को देख लें तो पहले तो एरिया अंडर द कर्व देखो, स्टेप्स बढ़े तो एरिया अंडर द कर्व कम हो गया, यहां पर इतना सारा एरिया, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व था, और यहां ये स्प्लिट हो गया, है ना। अब देखते हैं हम जरा W1 जो है, W1 किसके अगेंस्ट हुआ, W1 P1 के अगेंस्ट हुआ, तो W1 इज इक्वल टू माइनस P1, और यहां पर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V इनिशियल। W2 किसके अगेंस्ट हुआ, W2 अगेंस्ट हुआ P2 के अगेंस्ट, तो माइनस P2, और ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। एंड W3 किसके अगेंस्ट हुआ, वो P फाइनल के अगेंस्ट हुआ, तो माइनस PF, एंड दैट इज V फाइनल माइनस V2, ओके। और टोटल वर्क डन अगर हमको निकालना है तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
टोटल वर्क डन इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ओके, सो पॉइंट इज दैट कि कंप्रेशन के केस में जब हमने नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज किए तो वर्क डन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और एक्सपेंशन के केस में जब हमने नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज किए थे तो वर्क डन क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, है ना। तो अगर हम देखें ये वाला वर्क डन डेफिनेटली ये ज्यादा है ना। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, है ना। तो दैट इज वेरी सिंपल, हम नोट डाल के यहां पर क्या लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस, राइट। स्टेप्स जितने ज्यादा होंगे वर्क डन उतना ही कम होता चला जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, अब मैं और ज्यादा स्टेप नहीं बताती हूं, ये तो मैंने आपको क्या लिया था, ये इरिवर्सिबल था। अब अपन आते हैं रिवर्सिबल कंप्रेशन पर, ठीक है। नाउ वी कम एट रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट स्टेप्स, इनफाइनाइट स्टेप्स मतलब स्टेप्स कैसे हो गए मैक्सिमम, है ना, स्टेप्स कैसे हो गए मैक्सिमम हो गए। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, देखो ये डिक्रीज हो रहा है अगर स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं तो इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। सो वर्क डन विल बी मिनिमम। ओके, सो इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, वर्क डन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, किसके लिए, रिवर्सिबल में, अगर स्टेप्स हमारे कैसे हुए, इनफाइनाइट हुए। ओके, और इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं, होपफुली अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। स्टार्ट हम वही कर रहे हैं हमारा जो था, कि हम ये हमारा पी इनिशियल था, हमें इसे यहां तक लेके जाना है पी फाइनल तक, ये हमारा वी इनिशियल है और यहां तक लेके आना है वी फाइनल तक। ओके, और ये हमारी इनिशियल स्टेट है गैस की, है ना। अब हम एक एक पाइल उठाएंगे, अगर देखो एक एक पाइल उठाएंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल जरा सा डिक्रीज होगा, एक पाइल उठाएंगे और प्रेशर बिल्कुल जरा सा इंक्रीज होगा, तो ये जरा सा इतना आगे आएगा, फिर एक पाइल उठाएंगे हम तो बिल्कुल वॉल्यूम प्रेशर जरा सा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जरा सा डिक्रीज होगा, ठीक है, ये मैं पैरेलल आपको ड्रॉ कर करके बता रही हूँ। फिर एक पाइल उठाएंगे तो प्रेशर जरा सा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जरा सा डिक्रीज होगा, सो ऐसे फाइनली अगर हमको इस स्टेप तक आना है, इस स्टेज तक अगर हमको आना है, तो यहाँ हम देखें तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, बट इस केस में वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन विल बी मिनिमम, वर्क डन कैसा होगा, मिनिमम होगा। ओके, तो जो आज के लेक्चर में मुझे आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी वो यही बताना था कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क डन मैक्सिमम होता है और कंप्रेशन के केस में रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होता है, मिनिमम होता है। ओके, तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, जैसे अगर हम एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो वर्क रिवर्सिबल कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और अगर हम कंप्रेशन का केस ले रहे हैं, सो वर्क रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होगा, मिनिमम होगा। ओके,
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बट छोटा सा कंसेप्ट था वर्क डन रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए देखा है हमने, और इसको हम एडियाबेटिक से भी रिलेट करेंगे, लेकिन आज नहीं, जब हम एडियाबेटिक पढ़ेंगे तब हम उससे रिलेट करेंगे, और अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में ज्यादा होता है. ओके, सो हैप्पी डे, मतलब स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू.